क्या बौखला गए इमरान खान? क्या पाकिस्तान की भी होगी श्रीलंका की जैसी हालत? तो क्यों क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे? पाकिस्तान में आखिर क्या आने वाला है भूचाल? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। उफ, ये क्या बोल गए इमरान? जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कि बढ़ गई उनकी मुश्किलें? आखिर क्यों वायरल हो रही है इमरान खान की वो धमकी जिसके बाद इमरान के पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट, तो छोड़िए उनके बयानों के प्रसारण तक पर पाकिस्तान सरकार को डर लगने लगा। अब इसी डर के मारे पाकिस्तान में इमरान खान के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जनाब इमरान खान ने जज तो छोड़िए दो दो पुलिस अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी और ये तक कह दिया कि आवाम सड़कों पर उतरी तो फिर वो होगा जो श्रीलंका में हुआ। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुन लीजिए। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने, और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था, फजल रहमान से जान जाती है। तो क्या इमरान पाकिस्तान की आवाम को भड़का रहे हैं या वो सच कह रहे हैं? वैसे तो एंटी टेरर एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस लिया गया है, ऐसे में केस दर्ज होने के बाद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि इमरान खान के भाषण में पुलिस, जजों और देश में भय फैलाने का काम किया गया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आईन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। अब सवाल ये कि पाकिस्तान के पूर्व वजीरे आला जनाब इमरान खान इतना क्यों बौखला गए? ऐसी क्या वजह रही कि वो इस कदर भड़के कि पाकिस्तान की आवाम को भड़काने लगे? पुलिस के अधिकारियों को डरा रहे हैं और जज को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, तो उसकी वजह भी अब जान लीजिए। उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि इमरान खान के खासम खास जेल में बंद हैं नेता हैं शहबाज गिल, जिनके समर्थन में इमरान खान ने ये रैली का आयोजन किया था और उसी दौरान अपना भाषण दिया, और पाक की हुकूमत की नींद इसी भाषण से उड़ गई। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं, हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ उसके ऊपर, पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। तो सवाल ये कि क्या वाकई में इमरान खान जो कह रहे हैं वो सच साबित होने वाला है? पाकिस्तान में होने वाला है वाकई में श्रीलंका जैसा हाल? श्रीलंका की तर्ज पर पाक की आवाम भी अपनी हुकूमत के खिलाफ जंगे ऐलान करने वाली है। क्या वाकई में इमरान की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है कि पाकिस्तान की जनता ही सड़कों पर उतरकर हुकूमत को बदल देगी? क्या पाक वाकई में अपनी हरकतों से अपनी इज्जत को यूं ही नीलाम करता रहेगा? वाकई में अपने आप में ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।